बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स भी क्या करें, और जो कुछ आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। इस हवाले से आपको जो भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो पूछा ज़रूर करें। वीडियो देखने से पहले अहम दरख्वास्त है, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियोस को भी लाइक करें और कमेंट्स करें, वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो महंगे नुस्खे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेरी बताई गई टिप्स और नुस्खे पर अमल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी का अच्छा सोचना करना भी सवाब है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरी बात पर अमल करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट्स करिए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को सुना करें, आप लोग सिर्फ देखते हैं इसलिए ज़्यादा समझ नहीं आती। सुनने से आपको ऐसी टिप्स मिल जाती है जिसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, लिहाजा सुनने के बाद जो समझ नहीं आए मुझसे पूछा करें। पूछने से आपकी भी जो होंगी वो गलतियाँ दूर हो जाया करेंगी। तो मैं अपने अब टॉपिक पर जाऊंगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। थैंक यू। चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जनाब, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आई हूँ और टॉपिक ये है कि दुबले पतले ज़रूरत से ज़्यादा हैं। अगर आप दुबले पतले ज़रूरत से ज़्यादा हैं तो कोई मसला नहीं, मुस्तकिल मिजाजी से नीचे दिए गए नुस्खों पर अमल करें और मुकर्ररा मुद्दत से पहले फिकर नहीं करना, बताई गई मुद्दत के बाद अपना वजन करवाएं और ना उम्मीद होने की कोई आपको ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह ताला जो चीज़ें मैं बताऊंगी तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मोटापा जो होता है वो तो बहुत ख़तरनाक होता है, लेकिन अगर आप पतले दुबले हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी टिपें जो आपको मोटा कर सकती हैं। टिप नंबर वन जो मैं आपको बता रही हूँ, 5 अदद छुआरे एक गिलास गर्म पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुँह छुआरे निकालकर अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खा लें और 5 मिनट बाद दूध पी लें। लेकिन ये अमल आपको क्या करना है, 1.5 महीने तक लाजमी करना है, तो फिर आपका वजन बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं दूसरी आपको टिप नंबर 2 दे रही हूँ जो कि आपको करना है, उससे भी आपको बड़ा फायदा होगा। चलें तो आपको मैं बताऊं टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 क्या है, रात को खाने के बाद एक गिलास या एक बड़ा कप दूध डब्बे में डालें और 1 अदद बन इसमें तोड़ कर भिगो दें और 5 मिनट तक ये बन खाना है, जो हम बीमार होते हैं और जो बन बाजार में मिलता है वो खाना है। एक बड़ा कप दूध डब्बे में डालें और 1 अदद बन इसमें तोड़ कर भिगो दें और 5 मिनट बाद चम्मच के साथ खा लें। ये अमल सोने से पहले करें, इसके बाद कुछ मत खाएं। 1 माह में वजन आप चेक करें और बताएं कि आपका जिस्म भर गया या नहीं भरा। मैं गारंटी के साथ आपको कहती हूँ कि आप मोटी हो जाएंगे। रात को अब मैं तीसरी नंबर टिप देने वाली हूँ जो कि आपको गौर से सुनना है। रात को सोने से 2 घंटे पहले 5 या 6 केले खाएं और ऊपर से 1 पाव दूध पी लें। ग्राइंड भी कर सकते हैं। 40 दिन के बाद रिजल्ट चेक करें, आप अपना वजन देखेंगी तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा हुआ होगा। अब मैं आपको टिप नंबर 4 दे रही हूँ। टिप नंबर 4 में आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध उबाल लें और इस गिलास में डालें। अब इसमें 2 चम्मच जैतून का तेल डाल लें और बड़े चम्मच इस्तेमाल करें, अब मिक्स करके दोनों पी जाएं। ये अमल भी सोने से पहले और खाने के बाद करें। 1 माह बाद अपना वजन खुद नोट करें तो आप इंशाल्लाह हैरान हो जाएंगे कि आपका वजन बढ़ गया है। अच्छा, टिप नंबर 5 में आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि 1 पाव दही में रात भी बासी रोटी ग्राइंड करें। 1 पाव दही में रात को बासी रोटी ग्राइंड करें और इसमें चीनी मिलाकर निहार मुँह खा लें। इसके बाद नाश्ता भी कर सकते हैं, लेकिन ये दही इतनी फ़ायदेमंद होगी कि 15 दिन बाद ही वजन तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसी भी दिन आप नागा ना करें।
अब टिप नंबर 6 में आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि डेढ़ पाव एक पाव दूध उबाल लें और डेढ़ पाव या एक पाव दूध उबाल लें और नीम गरम होने पर इसमें शहद मिला लें और पी जाए रात के खाने के बाद, एक माह बाद जिस्म भर जाएगा इंशाल्लाह। और टिप नंबर ये थी मेरी 6 और अब मैं दे रही हूँ टिप नंबर 7। जैतून के तेल से जिस्म की सुबह शाम मालिश करने से जिस्म भरा भरा खूबसूरत और वजन बढ़ जाता है और इससे हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं और रंगत भी दूध की तरह निखर जाती है। ये मेरी टिप नंबर 7 थी। इसके अलावा मैं आपको टिप नंबर 8 देती हूँ जिसको आप करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। टिप नंबर 8 ये है कि 2 दूध में फीकी जलेबियाँ डालकर खाने से भी वजन तेज़ी से बढ़ता है। सिर्फ आपको क्या करनी है, 2 दूध में फीकी जलेबियाँ डालकर खाने से वजन तेज़ी से बढ़ता है। किसी भी टाइम रात को लाजमी खाएं, दिन में भी आप खा सकते हैं। और ये थी मेरी टिप नंबर 8 और अब चलते हैं टिप नंबर 9 पर। खजूर का मिक्सचर बनाकर पीने से वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। 5 अदद खजूर काटकर एक पाव दूध में ग्राइंड कर लें, ज़रूरत महसूस हो तो चीनी मिला लें और ताक के वक्त पी लें। चंद ही दिनों में आपको फ़र्क पता चल जाएगा। कैल्शियम भी बहुत होती है खजूर में, तो खजूर तो बहुत फ़ायदेमंद है जो मोटा करती है इंसान को। और मैं आपको अब देने वाली हूँ टिप नंबर 10। मूंगफली, चार मगज, मक्खन, खशखाश, इन चारों को इकट्ठा मिक्स करके खाने से भी वजन बढ़ता है और वो आप किसी भी वक्त खा सकते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और टिप नंबर 11 ये भी है मेरी, 12 के 6 अदद बादाम रात को, आपको क्या करना है, 6 अदद रात को बादाम भिगो कर रख दें, सुबह निहारमा छिलका उतारकर दूध के साथ खा लें, इससे भी इंशाल्लाह ताला आपको वजन बढ़ेगा। नोट फरमाएं, तमाम टिप्स पर मर्द हजरात और औरतें दोनों अमल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है या लड़कियों के लिए नहीं है, आप सब इस पर जो है टिप्स को अपना सकते हैं। और लेकिन मेरे को चैनल को कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये मैं डॉक्टर होने के नाते आपको बता रही हूँ कि ये टिप्स पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मोटी हो जाएंगे। इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।